Mandi.com के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, Mandi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। Mandi.com में हमने पिछले हफ्ते बात की थी प्रधानमंत्री के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण में कृषि और किसानों को लेकर जो बातें कही गई उसके बारे में। इस हफ्ते भी हम उसी भाषण में से कुछ और बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी उनका इम्प्लीकेशन, उनका जो असर है वो इतना दूरगामी होने वाला है, इतना गहरा होने वाला है कि उसमें कई ऐसे बिंदु निकल के आएंगे जिसपे हम और गहराई से और व्यापक तौर पर बातचीत करना चाहते हैं। इन्हीं में से कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमने जाने माने कृषि वेत्ता, जिनको किसान भी कह सकते हैं, कृषि विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, और जिनको कृषि अर्थशास्त्री भी कई मायनों में कह सकते हैं, उन भारत भूषण त्यागी को हमने आज अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ा है। भारत भूषण त्यागी जी का परिचय बहुत कराने की जरूरत है नहीं, कृषि क्षेत्र से, कृषि जगत से जुड़े हुए हर व्यक्ति को अच्छे से त्यागी जी का ये चेहरा बिल्कुल पहचान में आता है, क्योंकि त्यागी जी आज खेती के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। पद्मश्री 2019 में जो कि चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भारत भूषण त्यागी जी को मिला था, और त्यागी जी लगातार किसानों का प्रशिक्षण अपने यहाँ बुलंदशहर में करते हैं और लगभग 1,00,000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। भारत भूषण त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है Mandi.com। जी प्रणाम करता हूँ। त्यागी जी, जो बात अभी मैं इस कार्यक्रम की भूमिका के तौर पे कह रहा था, मैं वहीं से बातचीत की शुरुआत भी करता हूँ। प्रधानमंत्री ने जो गत 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में कृषि और किसानों को लेकर कई बातें कही, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने आत्मनिर्भर किसान को के बारे में कही, यानी किसान को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में। आपका जो कृषि का मॉडल है, जिस तरह से प्राकृतिक और जैविक खेती के साथ आपने एक मॉडल डेवलप किया है, वो अपने आप में आत्मनिर्भर किसान का एक तरह से लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन या संसाधन हो सकता है। इस पर मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि क्या अब तक का जो आपका अनुभव रहा है, हजारों और लाख में किसानों का प्रशिक्षण आपने दिया है, कई का मॉडल आपने डेवलप कराया है, क्या आपको वहां से वास्तव में आत्मनिर्भर किसान निकलते हुए दिखते हैं उस मॉडल से? मैं आपको प्रणाम करता हूं, और प्रधानमंत्री जी के भाषण में राष्ट्र के नाम जो संदेश था और उसमें जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का एक भाव आया, वो वास्तव में इस समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं इसके लिए एक छोटा सा ध्यानाकर्षण आपका कराना चाहूंगा कि आजादी के बाद जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे थे और हमने जिस खेती को अपनाया, वो खेती नहीं थी सही मायने में, उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से हमने उसको स्वीकार किया, लेकिन उससे हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, खेती का बाजारीकरण हुआ और धीरे धीरे खेती एक तरीके से एक ऐसी सकल बनती चलेगी जिसको किसान भी खेती करना नहीं चाहता। राष्ट्र के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कृषि प्रधान देश में यदि खेती की दुर्दशा होगी तो फिर उसका कोई सरल विकल्प तो खोजना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं ये निवेदन करूंगा आपसे और जो भी साथी इस वीडियो के जरिए इस बात को सुन रहे हैं कि अब हमको खेती परिस्थितियों से नहीं बल्कि समझकर खेती करनी होगी, और उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि किसानों की आमदनी ही मुद्दा नहीं बल्कि जो चुनौतियां हैं, चाहे वो कुपोषण की चुनौती है, स्वास्थ्य की चुनौती है, पर्यावरण की चुनौती है, उत्पादन को बराबर मात्रा में बनाए रखने की चुनौती है या उत्पादन को गुणवत्ता के साथ पैदा करने की चुनौती है, इन सभी का एक समावेश है जैविक खेती में। और जैविक खेती प्रकृति की व्यवस्था को समझकर जीने का एक तरीका है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि इस समय भारत में कृषि अनुसंधान, शोध, तकनीकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रसार, नीति और जो भी विषय है खेती से जुड़े हुए, चाहे वो केंद्र सरकार का तंत्र है चाहे राज्य सरकार का तंत्र है, उनको आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को एक संकल्प के रूप में स्वीकारने की जरूरत है। जो कि खेती केवल किसान का काम नहीं है,
खेती केवल किसान का काम नहीं है, खेती एक राष्ट्रीय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एक तंत्र है। एक तरह से आत्मनिर्भर खेती की जो हम बात करते हैं तो एक तरह से वो टिकाऊ खेती या खेती का जो टिकाऊ मॉडल है जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल मॉडल कहते हैं वो भी है, क्योंकि जब तक पर्यावरण और जो दूसरी साथ में इकोलॉजी जिसको हम कहते हैं कि इकोलॉजी पूरी नहीं सुधरेगी तब तक आपकी खेती किसी भी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। इसी से आपने जैविक खेती को भी जोड़ा है। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जैविक खेती के साथ, क्योंकि एक लगातार सवाल ये उठता रहता है कि जैविक खेती अपने आप में भी आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि जैविक खेती से हम इतनी बड़ी जनसंख्या और उसकी इतनी बड़ी जो मांग है वो पूरी करने की स्थिति में शायद नहीं आ सकेंगे अगर केवल जैविक पर हम चलेंगे। इसको आप किस तरह से एड्रेस करना चाहें? देखिए, जिन लोगों की सोच बहुत छोटी है वो ऐसा सोचते हैं, प्रकृति की व्यवस्था में विविधता है, एक ही खेत में हम एक वर्ष में बहुत सारी फसलों को साथ साथ ले सकते हैं, जिससे हमारी जमीन का कार्बन भी बढ़ता है और उसकी माइक्रोबायोलॉजी भी बढ़ती है, इसको वैज्ञानिक भी ठीक ढंग से समझते हैं। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि हम यदि एक समस्या को पकड़ते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उसी का रोना रोते रहेंगे, जबकि ये आकलन नहीं कर पाते कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारे पास में जनसंख्या एक संसाधन भी है। यदि हम उसको सही समझ और सही कार्य से जोड़ते हैं तो खेती से बढ़िया कोई रोजगार इस देश में नहीं है। और जहां तक आप बात कह रहे हैं कि जनसंख्या के पेट भरने के लिए इस खेती का कितना महत्व है, तो मैं आपको बड़े खुले मंच से बताना चाहता हूं कि जैविक खेती प्रकृति की वो विधा है जिसमें किसानों के लागत खर्च में कमी आती है और किसानों का उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है, गुणवत्ता में भी बढ़ता है और विविधता में भी बढ़ता है। जो विविधता की बात जो आई है, हमारे अनाज में, हमारे खाद्यान्न में जो कुपोषण आया है, हमारी जो डाइवर्सिटी कमजोर हुई है, खाने पीने की चीजों में जो हमारी हिस्सेदारी कम होती जा रही है, जिसके कारण भविष्य बहुत कमजोर है, वो भी इसमें पूरा होता है। यानी इस तर्क में डॉक्टर त्यागी का कहना है कि कोई बहुत दम नहीं लगता है कि अगर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर हम जाएं तो जनसंख्या के हिसाब से मांग की पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां से कि जैसे उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, उन्होंने बहुफसलीकरण की बात की, फसल चक्र को मेंटेन करने की बात कही है, इसके साथ ही कई सारे विकल्प ऐसे हैं जिसमें उत्पादन बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रोड। पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को दिए गए भाषण में जो कृषि से जुड़े कुछ बिंदुओं को, विषयों को छुआ गया था, उनको थोड़ा और गहराई से समझने की। और हमारे साथ इस चर्चा में आज डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जुड़े हुए हैं, पद्मश्री डॉक्टर त्यागी, जिन्होंने खासतौर से जैविक और प्राकृतिक खेती के मॉडल पर काफी कुछ काम किया है। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर त्यागी हमें बता रहे थे कि कैसे उस मॉडल से आत्मनिर्भर किसान का जो प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है उसको पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर त्यागी, मैं जैविक खेती के संदर्भ में और किसानों के लिए एक मैं पूछूंगा कि क्या स्कोप निकल कर आता है इस पूरे कार्यक्रम, इस प्रोग्राम से? प्रधानमंत्री जी ने जो इशारा किया है कि हम खेती में डाइवर्सिफिकेशन करते हुए उन सारी चीजों को वापिस करें जिनके द्वारा हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है, जिनके द्वारा हमारा पोषण भी ठीक होगा
और जो पर्यावरण की दृष्टि से, पानी के संरक्षण की दृष्टि से, जमीन के संरक्षण की दृष्टि से भी पूरी होंगी। तो जैविक खेती में इस बात का एक बड़ा संकेत आता है कि यदि हम अपने उन पुरानी परंपराओं के बीज जिनमें कंगनी, सवाई, चौलाई, तिल, अलसी, मूंग, मसूर, उर्द ऐसी चीजें थी कि जिनके द्वारा हम अपने पोषण को पूरा करते थे, यदि हम अपने देश में अपने ही जनों को किसी प्रकार के पोषण युक्त भोजन को देने की बात करते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सोचा कि हमारा वो भोजन भी केवल पेट भरने के लिए ना जाए बल्कि पोषण के लिए जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों पर इस तरीके का कोई दुष्प्रभाव ना आए। इसमें जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। वो इस संकेत को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि आने वाला भविष्य इसी तरीके का होगा। डॉक्टर त्यागी, क्या इसमें कुछ नए प्रकार की फसलों, जो जब मैं नए प्रकार की कह रहा हूं तो वो आधुनिक दौर में नए प्रकार की फसलें हैं, लेकिन पहले मोटे अनाज की जो खेती होती थी जिसमें ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, टंगनी, इस तरह के कई सारे क्रॉप्स थे, जो कि अब लगभग उनमें से कुछ तो अब वापस दिखने लगे हैं, खासतौर से जैविक खेती और जैविक मार्केटिंग में बहुत महंगी दरों पर इनमें से कुछ फसलों को बेचा जा रहा है, तो क्या ये अपने आप में एक अवसर निकल कर आता है कि अगर सही तरीके से मार्केटिंग की जाए तो यहाँ से, क्योंकि ये काफी पोषक कृषि उत्पाद और कृषि उपज माने जाते हैं ये, तो यहाँ वापस इनकी वापसी की जा सकती है? देखिए, वापसी नहीं बल्कि इसके संकेत मिल रहे हैं। आप पूरे बाजार को देखेंगे तो जितना भी फाइबरस फूड या न्यूट्रिशनल फूड के बारे में जब चर्चा आती है तो सारे मिलट्स आते हैं, उनमें बाजरा तक शामिल हो गया। जिस बाजरे को हम अच्छा खाना नहीं मानते थे वो बाजरा भी अब मिलट्स में आ गया। तो ऐसी स्थिति में चिया सीड, किनवा, कंगनी, सवाई, चौलाई, तिल ऐसी बारीक चीजें हैं जो हमारे देश में पैदा होती थी और उनको हम अलग अलग नामों से जानते थे। आज उनकी हम बेहतर खेती कर सकते हैं और ये उन्हीं चीजों की तरफ इशारा भी है कि हम वापस लौट कर आए। गलती हमसे ही हुई कि हमारी कृषि नीतियों में हमने जिस व्यापार की दृष्टि से जिन फसलों का चयन किया उनसे प्रकृति का भी दोहन हुआ। पानी ज्यादा जमीन से निकाला गया, रासायनिक खादों की खपत ज्यादा हुई और उनका बाजार में दाम भी हमको नहीं मिल रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही देखें और देश की आंतरिक सुरक्षा को भी देखें, फूड सुरक्षा को, तो हमको ये दोनों चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा। जी, जैविक खेती की मार्केटिंग को लेके हमेशा एक कहा जाए कि सवालों का घेरा रहता है डॉक्टर त्यागी, क्योंकि किसान जो जैविक का उत्पादन करता है आमतौर पे वो उसकी मार्केटिंग नहीं करता है, और जो मार्केटिंग करने वाली कंपनियां हैं जैविक में वो देखा जाता है कि कई गुना प्रीमियम लेकर और उनको बाजार में बेच रही है। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर जो जैविक खेती का अभियान है वो प्रभावित हो रहा है इससे, और इस पे कुछ अंकुश लगाने की जरूरत है? देखिए, जैविक खेती को चलाए जाने के पीछे एक छोटा सा दोष ये रहा कि हमने जैविक खेती को केवल कुछ लागत बदल कर करने की कोशिश की, लेकिन जैविक खेती केवल लागत बदलने से नहीं होगी। जैविक खेती उत्पादन का एक मैनेजमेंट है कि बाजार से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर, प्रमाणीकरण से लेकर, उत्पादन से लेकर सब चीजों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। और देश में जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में जो चर्चा बहुत तेजी से चल रही है उसका ध्येय भी यही था कि बाजारवादी प्रक्रिया में जो खेती का उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक का जो तंत्र टूट गया था या उसके बीच में बिचौलियों के आने से जो दूरी बन गई थी उस दूरी को संतुलित किया जाए। इसमें किसी के हक को छीनने की बात नहीं कही गई है। ये कानून व्यवस्था में परिवर्तन का भी यही मुद्दा था कि हम एक समानांतर ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के बीच में खड़ी करें ताकि किसान और शिक्षित युवा वर्ग अपने ही उत्पादन करने में, अपने को ही प्रमाणीकृत करने में, अपने को ही प्रोसेसिंग करने में, क्योंकि तीन क्रियाएं यदि एक जगह जुड़ती हैं तो बाजार का रास्ता खुलता है। अभी तक किसान केवल उत्पादक था, वो अपने आमदनी के बारे में जानता ही नहीं था। बल्कि मैं तो एक सरल भाषा में आपसे बताना चाहूंगा कि अब जो दौर है वो खेती के व्यवसायीकरण का दौर है। हमको एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मोड में अब खेती को ले जाने की जरूरत है ताकि देश में शिक्षित युवा वर्ग खेती से जुड़े, क्योंकि खेती मैनेजमेंट मांग रही है। अब खेती छोटी सोच से नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जो बाजार की समस्या बार बार बोली जाती थी वो समस्या नहीं है, बल्कि जो बाजारवादी प्रक्रिया है उसमें वो बाजार की समस्या दिखाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में तो बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। और एक बड़ा विकल्प ये भी मैं बताना, हाँ, एक और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिचौलियों के द्वारा जैविक खेती के उत्पाद को महंगा बेचा गया और उपभोक्ताओं को भी लूटा गया,
यदि सही माने में राष्ट्रीय कार्यक्रम को सही ढंग से चलाया जाए तो इसमें उत्पादक भी मालदार होगा और उपभोक्ता का भी शोषण नहीं होगा और बिचौलिया भी ठीक ढंग से काम करेंगे। तो ये एक पारदर्शिता के साथ में मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रणाली इसमें बनती है, ये देश को सोचने की जरूरत। जी डॉक्टर त्यागी, हमारी ये चर्चा अभी जारी है लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे तुरंत इस ब्रेक के। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में किसानों और खेती के बारे में कही गई कुछ बातों पर, और उन बातों की जो गहराई है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भारत भूषण त्यागी, पद्मश्री जिनको आप सब लगभग जानते हैं जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर त्यागी, करीब 2 साल पहले बजट में सरकार ने पहली बार ये कहा था एक दिशा निर्देशक तत्व के तौर पर कि खेती से रासायनिक जो तत्व हैं, खाद हैं, कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग कम होना चाहिए और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक तरह से सरकारी नीति के तौर पर पहली बार बजट में इसका जिक्र किया गया था। इस दृष्टि से अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो कौन कौन से और ऐसे कार्यक्रम हैं या नीतिगत हस्तक्षेप हैं जो आपको लगता है कि सरकार को तुरंत करना चाहिए अगर जैविक खेती को और बढ़ाना है और खास तौर पे उसको एक व्यावसायिक स्तर पर देश में कायम करना है? देखिए, इसमें दो चीजों को हमको अलग अलग समझना है। एक तो किसानों को राहत देकर और कुछ उनको उभारने की जरूरत होती है, ये भी एक राष्ट्र की तरफ से कार्यक्रम चलाया गया और किसानों को उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने की बात की गई। मैं राजनीतिक मुद्दे से इसको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे महाराष्ट्र में उड़ीसा में दूर दूर तक गया तो मैंने देखा कि ऐसे भी किसान परिवार हैं कि जिनको एक थोड़ी सी भी अमाउंट यदि समय पर मिल जाती है तो अपनी खेती में कोई अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये सोची गई कि खेती में केवल किसान यदि उत्पादक तक ही रहेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए जाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जो बजट में प्रावधान रखा गया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाए जाने की बात कही गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग को मैनेजमेंट की दृष्टि से आगे बढ़ाए जाने की बात की गई, जिसमें परंपरागत कृषि विकास की तर्ज पर ही नमामि गंगे जैसी योजना और क्लस्टर अप्रोच में भी किसानों को खेती कराए जाने की बात कही गई। इसमें एक बड़ी बात और जोड़ी गई है कि अभी तक जो खेती पर इस बात का ध्यान नहीं दिया गया था कि खेती भी एक सहकारिता का विषय है, जबकि खेती भारत में सहकारिता का ही विषय था। तो इन बजट में सहकारिता को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से किसानों की आर्थिक मदद की जाए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में, किसी प्रकार के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, फार्म मशीनरी बैंक के रूप में, बीजों के बीज बैंक की स्थापनाओं के रूप में, तो कुल मिलाकर यदि मैं पूरे देश की किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय नीतियों को देखें, राजनीति को ना देखें। राष्ट्रीय नीति
और राजनीति के बीच में बहुत बड़ा गैप है। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रीय नीति बनी होती है पर हम अपनी आंखों की ओझलता में उसको देख नहीं पाते हैं। इस समय सरकार के द्वारा जो बजट बढ़ाए गए और बजट में कार्यक्रमों की रूपरेखा और बढ़ाई गई, किसानों को जिम्मेदार मानते हुए उनको और अधिक धन से और गांव में कार्यक्रम बढ़ाए गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी आपको देता हूं कि मनरेगा कन्वर्जेंस को लेकर जिस तरीके से गांव में एक आर्थिक विकास की नई लहर उठ सकती है, इस सरकार के द्वारा बहुत गहराई से सोचा गया है। ये नीतिगत विषय है। ये इस नीतिगत विषय को जब तक लोग समझ पाएंगे तब तक पता लगेगा कि ना तो गांव के प्रधान इस बात को समझ पा रहे हैं और ना ही गांव के जो इलाके के राजनेता हैं वो समझ पा रहे हैं। मनरेगा कन्वर्जेंस के जरिए हम अपने श्रम को और हम अपने सरकारी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए गांव में बहुत बड़ा तंत्र खड़ा कर सकते हैं। उत्पादन, प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण, बीजों के लिए काम, रासायनिक खाद या रासायनिक खादों के विकल्प में जैविक खाद, जैविक कल्चर, उनको बनाने के तरीके, उनको वितरण करने के तरीके, उनके लिए एप्लीकेशन, इन सारी सारी चीजों को यदि आप गौर करके देखें तो उत्पादन से लेके बाजार तक की हर समस्या को हल करने का प्रावधान रखा गया मनरेगा कन्वर्जेंस में, जिसकी देश भर में कोई चर्चा नहीं हो रही। जी डॉक्टर त्यागी, ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों के लिए दी है। इसके साथ ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो पिछले सेगमेंट में हमारे आपने चर्चा की थी और चर्चा के दौरान आपने जिक्र किया था किसान उत्पादक संगठनों का। जब हम ये कह रहे हैं कि अब वो दौर आ चुका है जब किसानों को खेती भी बिजनेस की तरह से, व्यवसाय की तरह से करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे में FPOs की कितनी बड़ी भूमिका इसमें आप देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा किसान FPO से अपने को जोड़ें, इस राह में आपको कोई किस तरह की बाधाएं दिखती हैं, क्या किस तरह से उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है? ये किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है लेकिन इसमें कुछ जोखिम है जिनको मैं आपको सामने रखना चाहूंगा। एक तो कृषि व्यवसाय है, ये व्यापार की दृष्टि से कार्यक्रम नहीं चलेगा और जो कृषक उत्पादक संगठन है उनकी नेतृत्व की क्षमता में यदि योग्यता का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया गया तो भय और लालच से बने हुए तंत्र बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, वो टूटेंगे और बिखरेंगे। तो अवसरवादिता के आधार पर नहीं, सरकार की किसी योजना में पैसा हड़पने की दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूर्वक हम सरकारी अनुदानों का और अपनी मेहनत का एक सदुपयोग करते हुए एक योजना बनाएंगे और जिसमें उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक तंत्र स्थापित करेंगे। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का ध्येय है। लेकिन होता क्या है कि भय का लालच के कारण जल्दबाजी में किसी प्रकार से संगठन बन जाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा लेकिन संगठन को चलाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो यहां पर मैं ये की निवेदन करूंगा कि किसानों को ये बात बहुत बारीकी से समझनी है कि व्यापार की कोई भी चालाकी, झूठ, रहस्य या किसी भी विश्वासघात जैसी चीज की जरूरत खेती में नहीं होती। खेती बहुत ही पवित्रता, बहुत ही पारदर्शिता और बहुत ही प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीने का एक सरल तरीका है। इसलिए जो भी संगठन बने वो आपस में संबंध को महत्व को दें, संबंध को महत्व दें, टर्नओवर को महत्व ना दें, पैसे को महत्व ना दें। पैसा हमारे पास में बाई प्रोडक्ट है। समझदारी और श्रम का यदि नियोजन करते हैं तो पैसा प्राप्त होता ही है, धरती का नियम है। डॉक्टर त्यागी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम के में जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। फिलहाल अब mandi.com में हो गया है समय इजाजत लेने का, तो दीजिए हमें अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला भी जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।